गुड मॉर्निंग। सो मेरा रूम जैसे कि रेडी हो चुका है और यहाँ से कहीं जाने का मन ही नहीं होता क्योंकि इतना अच्छा मैंने बना दिया है। जस्ट किडिंग। तो जैसे कि लास्ट संडे मैंने इंस्टाग्राम पे भी आपने शायद देखा होगा, मैंने स्टोरी डाली थी, मेरे सिस्टर का बर्थडे था, तभी मेरा रिनोवेशन का ही काम चल रहा था। अरे यार, सब जगह मिरर मिरर है। मैंने मतलब कुछ सेलिब्रेट नहीं किया बिकॉज ये रिनोवेशन का काम और मेरा थोड़ा खुद का भी काम चल रहा था। सो वो बोली थी कहीं बाहर जाए, तभी हम लोग को बिल्कुल टाइम नहीं मिला कहीं बाहर जाने के लिए। सो आज मैंने उसके लिए एक दिन निकाला है। सो हम लोग आज जाएंगे कहीं घूमेंगे और फिर देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसने बोला आज तू मुझे मेरे साथ चाहिए। तो मैंने बोला ज़्यादा टाइम तो नहीं पर थोड़े टाइम मैं उसके साथ स्पेंड कर सकती हूँ। तो अभी ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट्स अप पीपल, कैसे हैं तुम्हीं? सो अभी मैं जा रही हूँ मेरे सिस्टर को लेने के लिए, फिर उधर से देखते हैं हम लोग क्या क्या करेंगे। सो बाय। आर यू लिसनिंग? सो मैं मेरे सिस्टर के घर पे आ चुकी हूँ और क्या पता वो रेडी है कि नहीं। मैंने तो उसको बोला था कि तू रेडी हो जा। रीवा, ये कभी भी मैं आती हूँ ना ये ऐसी आवाज करके आती है। वेयर इज योर मॉम बेटा? चल बुला। सो देखते हैं मेरी सिस्टर को जाके। वाओ, मैंने इसको बोला कि तू रेडी हो जा, तू रेडी क्यों नहीं है? मैं रेडी इसलिए नहीं हूँ क्योंकि तुझे पता नहीं आज तेरे साथ क्या क्या होने वाला है। मतलब हम लोग घूमने वाले ऐसा ऐसा ऐसा। ओए रिवा, चलो मैं मिलती हूँ आपको। हेलो एवरीवन, जैसे आपने स्टोरीज में देखा होगा कि 6 दिसंबर को मेरा बर्थडे था, बट सब बिजी थे इसलिए ज्यादा सेलिब्रेट नहीं कर पाए। तो आज नीता ने डिसाइड किया है कि वो आज पूरा दिन मेरे साथ स्पेंड करेगी, बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। पर इसमें भी थोड़ा ट्विस्ट है कि मैं आज उसे जो भी बोलूंगी वो मुझे मना नहीं कर सकती। तो देखते हैं आज क्या क्या होता है। वैसे तो वो घर का कुछ काम नहीं करती, कुछ नहीं करती, वैसे वो काम में बिजी रहती है, बट देखते हैं आज क्या क्या होता है। सो लेट्स सी। रेडी हो चुकी हूँ और ये भी यहाँ पे है नीता। क्या कर रहे थे? निकलते हैं ना। कुठे? तूने तो बोला ना आज पूरा दिन मैं तेरे साथ रहूंगी। हाँ हाँ, बट एज मेरा बर्थडे सरप्राइज तुझे एक बात करनी होगी आज कि तुझे मैं जो बोलूंगी वो मानना पड़ेगा। ये किसने बोला? ये मैंने बोला है, यही मेरा बर्थडे गिफ्ट है। मतलब क्या करना पड़ेगा? जो मैं बोलूंगी वो मुझे काय मुझे जेमी सांगणार ते, मतलब यस यस इन्होंने ये फालतू प्लान किया था। मुझे नहीं पता, मुझे लगा कि हम लोग को आज पूरा दिन घूमने जाना है, बस इतना ही करना है। पर ठीक है, इतना पहाड़ तो नहीं टूटेगा ऐसे मैंने सोचा है, इतना ज्यादा भी कुछ ऐसे मत करवा, ठीक है? हाँ, तो क्या करना है? वो निकलने से पहले घर का काम तो करना पड़ेगा। हर बार मम्मी को सब साफ करने के लिए छोड़ के जाती है ना, अभी आज चल कपड़े स्टैंड पे डाल। गो फास्ट। किधर है तेरे कपड़े? पर ऑलरेडी तो स्टैंड पे ही है कपड़े। वो क्या है, डाल दे चल जल्दी। भाई लेट हो रहा है लोकल। सच में मैं घर पे भी मेरा काम नहीं करती अच्छे से। चुप है रिवा, प्लीज हेल्प कर ना बेटा, मेरा हेल्प करते हैं। ये देखो गुस्सा है रिवा। अभी नेक्स्ट, अभी कधीपासून तू रिवाला रेडी नाही केलंयस माहितीये तुला? जब वो एक साल की थी तब तक करती थी, अब जब से सेलिब्रिटी बन गई है तब से उसको रेडी तो नहीं करती। सब लेके तो आती है पर रेडी नहीं करती। चलो रेडी करो उसको। तो मतलब क्या है, वो तो ऑलरेडी रेडी है अच्छे से, बाल भी कोम कर अच्छे से, उसको रेडी कर, शूज पहना अच्छे से प्यार से। क्या काम करने को दूं उसको, तो कुछ सब तो हो गया है। तो मैंने सोचा वो तो ऐसे घर का काम करती नहीं और वो ये सब करना उसे पसंद भी नहीं है, तो मैंने सोचा ये दोनों मिक्स कर दूंगी। उसको
बोलूंगी ये सेपरेट करके फिर से डब्बे में डाल दे, देखते हो क्या कहते। नीता जेवण करायला तर तुला खूप मजा येते। हे बघ रिवानी सगळे एकत्र करून टाकले, ये सब सेपरेट करके डब्बे में डाल दे। चल चल उशीर होतोय, रिवा हेल्प कर बेटा। अरे ये तो बहुत है। नो नो बहुत देर। रिवा और मिक्स कर रही है। रिवा यार रिवा और कर रही है। अरे किस पे डाल रही हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सच बोल रही हूँ, ये ना ये जिसने भी किया ना मैं बाद में जरूर देखूंगी ब्लॉग में ये किसने किया था। ये बोली रिवा, पर रिवा को ये हाथ नहीं लगानी देती, मुझे पता है। रिवा सच बोल, तुझे मेरी कसम मैं तुझे शॉपिंग नहीं करवाऊंगी फिर, पता मतलब समझ गई मैं ये काम। अरे मैं तो लगा भी पीनट्स और पीज, तो पीनट्स ही निकालूंगी ना मैं, वो क्यों निकाल रही हूँ। Wow, I'm so clever. ये दिए। ओए, shit. थोड़ा चलेगा ना? नहीं। So, ये इतना बड़ा तो टास्क नहीं था, पर इसमें मुझे 10 मिनट तो गए ऑलमोस्ट, क्योंकि ये पूरा भरा हुआ था। मैं तो तुझे दाल चावल देने वाली थी, पर जाने दे, दया के लिए तुझे और थी। So, ये डन हो चुका है। ओके मेरे बेटा। अच्छा ये जानबूझ के मैं इसको सैंडल पहना रही हूँ, बिकॉज ये ना 10 बार बोलेगी मुझे शूज निकालना है, सो मुझे वापस प्रॉब्लम होगा, इसलिए उसको पहन रहे हैं सैंडल। मुझे लग रहा है वो जा रही है, गाड़ी में बैठ रही है अब। नीता कुछ जल्दी अभी जाना है ना यार, दो काम है अभी। गाड़ी में बैठो। चल चल चल, ये झाड़ा पानी नहीं ढकले सका पसंद मी, सो वॉटर माई प्लांट, पौधों को पानी दो। देना अच्छी बात है, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पानी की तरह ऑलरेडी इसमें पानी है, ज्यादा पानी पौधों के लिए हानिकारक है। ऐसे ऐसे कर, कैसे ऐसे कैसे। अरे यार पौधों को पानी देने का काम हो चुका है। लास्ट अभी क्या, लास्ट गाड़ी पे फड़का मार, थोड़ा गाड़ी पे फड़का मारो यार, ये अच्छे से चुप। मुझे नहीं पता था कि मुझे इतने सारे काम करने पड़ेंगे, पर मुझे आज जो जो इसने करवाया है रीवा के मम्मी ने, तो मैं उसका बदला ज़रूर लूँगी, क्योंकि इसने तो बोला था कि मुझे लगा कि हम लोग अच्छे से कहीं घूमने जाएंगे ये वो, तो अभी हम लोग निकले बाहर, तो आई डोंट नो ये बाहर क्या करवाएगी, घर पे तो उसने बहुत ही कुछ अच्छा अच्छा करवाया है। तो अभी पता नहीं कहाँ पे जा रहे, कहाँ पे जा रहे। By the way, रीवा को नहीं पूछा, रीवा को कोई भी कहीं भी पूछेगा वो बोलेगी मुझे मॉल ही जाना है, पर मॉल पता नहीं कहीं तो जा रहे, अभी वो उसने मुझे अभी तक नहीं बताया, but let's see. इसने मुझे बोला कि मुझे शॉपिंग करना है, सो मैं इसको शॉपिंग के लिए लेके आई हूँ। अरे यार हर बार रीवा के लिए लाती है, इस बार मेरे लिए। ले ले अगर अच्छा लगा तो, प्राइस मत देख ले, सीधा ले ले यार, ले जल्दी ले, अपना दिल बड़ा है, तू भी क्या याद रखेगी। प्राइस नहीं देख रही, फिर प्राइस देख ले, जो अच्छा लगेगा वही लूंगी ना। मैंने तो मेरे लिए ले लिया। आज मैं सच में थक गई हूँ, बिकॉज हम लोग ना यहाँ पे आते आते ना रील्स बना रहे थे, और सच में आई एम टायर्ड। शॉपिंग के लिए फर्स्ट टाइम मैं टायर्ड हूँ, उसमें इसने इतना कुछ नहीं लिया है, फिर भी मैंने मेरे लिए ज़्यादा लिया है, तो देखते हैं अभी। अभी हम लोग ने H&M से आए, बट उसको कुछ नहीं मिला, हमेशा हम दोनों साथ में अगर शॉपिंग में रहते हैं ना, उसको कभी कुछ नहीं मिलता था, नहीं मिलता, क्योंकि मेरी चॉइस बहुत अलग है, मैं कुछ अलग ही पहनती हूँ, और इसका कुछ अलग ही है। मैंने ज़्यादा शॉपिंग की है, इसने एक ही ड्रेस लिया है, और अभी हम लोग गए थे एप्पल स्टोर में, सो एप्पल स्टोर में इसको चाहिए था रोज गोल्ड वॉच, बट
वो एक्चुअली मुझे भी बाय करना है, सो मैंने ऐसे उसको बोला कि अभी थोड़ा देर और रुक, मैं तुझे खुद मतलब गिफ्ट करूंगी, तो आएगा वो भी ब्लॉग जल्दी, मुझे पता है वो बोली है तो वो करेगा। उसको शूज चाहिए तो हम लोग वो लेने जाएंगे। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ आज, क्या पता क्यों इतना थक चुकी हूँ। और लास्ट फाइनली हम लोग आए हैं यहाँ पे, किसी ने बोला मुझे शूट चाहिए तो अभी हम लोग शूट लेना है। मुझे नहीं पता इसको अभी ये फाइनल करती है, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं उसका यस नहीं सुनूंगी। वैसे उसने इतना कुछ लिया नहीं है, बट फिर भी मैं थक गई हूँ। कुछ करवाएगी पर इसने कुछ नहीं करवाया इतना जितना घर में। थोड़ा ज़्यादा ओवर किया था इसने लास्ट में, पर वो ठीक था। और अभी कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है, और मैं भी इतनी बुरी भी नहीं हूँ, मुझे पता है क्या करना और क्या नहीं। पर मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ एक्चुअली। हमारी गाड़ी अभी आज के आज की रूटीन खत्म हो गई, सब सामान इन्होंने पकड़ा है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये हूँ मैं रियल में सानू, आज रीवा भी है और ये भी है। मुझे बैग्स पकड़ना कभी भी अच्छा नहीं लगता, ना मैं कभी पकड़ती हूँ, तो अभी मेरा काम हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं। आज का दिन खत्म एंड हम दोनों बहुत ज्यादा हाँ तेरी है। सो हम लोग अभी घर पे जा रहे हैं, अभी ये मुझे ड्रॉप करेगी, फिर मैं मेरे घर पे जाऊंगी। तो आज का व्लॉग खत्म करते हैं, और आप आज का व्लॉग आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट्स में बताना, और तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और हाँ कमेंट में बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो में और क्या चाहिए। सो और मुझे ये भी बताना कि मैं इसका रिवेंज लूँ वापस, क्योंकि इसने मुझे आज इसकी गाड़ी पहुँचने बोली थी। तो कोई नहीं, आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और अपना ख्याल रखना। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, बाय बाय। अभी हम लोग ओ वाओ मैं इतनी गोरी क्यों लग रही हूँ, सॉरी लाइट की वजह से सॉरी।